अस्सलामु अलैकुम सामीन। 5 ज़िलहिज्जा है, 15 जुलाई है। उधर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली और मुजफ्फरनगर से कुर्बानी के ताल्लुक से अहम खबर आई है। इत्तला के मुताबिक दोनों ही ज़िलों के कलेक्टर साहिबान ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे पहले जमियत उलमा हिंद के मौलाना मोहम्मद साजिद कासमी और मौलाना मोहम्मद अय्यूब मिफ्ताही वगैरह ने DM शामली मोहतरमा जसजीत कौर से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा ये तो त्यौहार है, सब मनाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता सरकारी गाइडलाइन और सफाई का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की DM साहिबा मोहतरमा कुमारी सलवा जैन ने कहा कि ये तो त्यौहार है, इंतजामिया की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई नई गाइडलाइन आती है तो बता दिया जाएगा। जमियत उलमा के इस वफद की क़यादत जनाब कारी जाकिर हुसैन कर रहे थे। इससे पहले 3 दिन पहले जमियत उलमा मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी की क़्यादत में भी एक वफद DM शामली से मिला था। उस वक्त DM शामली ने बहुत ही साफ गोई से काम लेते हुए कहा था कि नमाज ईदगाह में अदा की जाए, अलबत्ता गाइडलाइन का ख्याल रखा जाए। इस तरह दोनों ही ज़िलों में माहौल पुरअमन है और इंतज़ाम चाहता है कि लोग ईद मनाएँ, लोग त्यौहार मनाएँ, लोग मिलजुल कर रहें, आपस में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का मदद करें। अलबत्ता इंतजाम में ये चाहता है कि सरकारी गाइडलाइन का, सफाई का, मास्क का और जिस्मानी फासले का पूरा ध्यान रखा जाए।